माजी लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदपटू सोमनाथ चटर्जी यांचं आज सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास कोलकात्यात निधन झालं. ते 89 वर्षांचे होते. काल संध्याकाळी त्यांना हृदयविकाराचा सौम्य झटका आल्यानं कोलकात्यातल्या एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांना अनेक वर्षांपासून किडनीचा आजार होता. डॉक्टरांनी केलेल्या उपचारांचा फारसा उपयोग झाला नाही आणि आज सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. हॉस्पिटल में है और सोमनाथ चटर्जी ने अपने शरीर को वैज्ञानिक विकास के लिए उनके लिए उन्होंने डोनेट कर चुके. ये हम परंपरा रही है हमारी पार्टी की नेताओं की, ज्योति बसु से लेकर सभी लोग ये काम की. तो वो बॉडी जाएगी वो मेडिकल कॉलेज पे, जहाँ पर भी वो लिया जाएगा. लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल से जब उनको उन बॉडी को वो रिलीज़ करेंगे, तब वो जाएगा हमारी पार्टी की पार्टी ऑफिस में, अलीमुद्दीन स्ट्रीट में. वहाँ पर श्रद्धांजलि जो अर्पित किया जाएगा, उसके बाद वहाँ से अभी तक जो योजना है वहाँ से ले जाया जाएगा वेस्ट बंगाल की असेंबली में. और बाकी दलों के जो लोग हैं जो उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो सब वहाँ पे आएंगे और वहाँ उसके बाद वो जो है हॉस्पिटल को सौंपा जाएगा. ये अभी तक का प्लान है. लेकिन ये पूरा किस तरीके से कब क्या होगा ये तभी तय होगा जब उनके परिवार के साथ सलाह मशवरा करके ये प्रोग्राम क्या होगा वो डेफिनेटली तभी पता चलेगा थोड़ी देर में. एक स्पीकर की कुर्सी का मान कैसे रखना, कैसे उसको इम्पार्शियल होना, ये एक प्रकार से दिखाता है. दूसरी बात, वो जैसे उन्होंने वैसे ही उनकी लड़की की डेथ मैंने देखा, उनके लड़के की डेथ इस उम्र में, बोले तो रग रहा था अंदर से टूटे, मगर फिर भी उन्होंने कैसे सहन किया. क्योंकि एक ही वाक्य मुझसे बोले जब मैं उनसे मिलने गई थी, तो सुमित्रा जी यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसको हमने जन्म दिया बड़ा किया उसका अपने सामने जाना क्या होता है. बस इस एक वाक्य में अपना दुख बोले, मगर उसके बाद में क्वाइटली मुझे बाकी विषयों पर चर्चा उन्होंने शुरू की. तो ये जो एक उनका खंबीरता थी उनकी, वो मुझे हमेशा याद रहेगी. और एक अच्छा इंसान हमने खोया, एक अच्छा पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स को सही तरीके से समझता था.